एचआरटीसी डिपो हमीरपुर ने वाया बघेड़ फोर लेन सड़क सुविधा को हरी झंडी मिलते ही डिपो के दो रूट मंगलवार शाम से ही शुरू हो रहे हैं। निगम पहले चरण में हमीरपुर से दिल्ली के लिए दो बसें चलाने जा रहा है। इनमें एक डिलक्स बस और दूसरी वॉल्वो बस है। फोर लेन सड़क मार्ग से जहां यात्रियों को डेढ़ घंटे की बचत होगी, वहीं वॉल्वो बस का किराया भी 83 रुपए और डिलक्स बस का किराया 39 रुपए कम लगेगा। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय अमन भला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पठानकोट। निगम की डिलक्स बस शाम 6:30 बजे हमीरपुर बस अड्डा से चलेगी और भोटा, उखली, करघेल, डंगार, घुमारवी, भगेड़, किरतपुर होते हुए चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली में सुबह 3:30 पर यात्रियों को उतारेगी। यह बस दिल्ली से शाम 7:45 पर हमीरपुर के लिए उसी रूट से होते हुए हमीरपुर सुबह 4:45 पर उतारेगी। इसी तरह वॉल्वो बस रात 8 बजे हमीरपुर बस अड्डा से दिल्ली के लिए रवाना होगी, जो कि भोटा, उखली, तरघेल, डंगार, घुमारवी, भगेड़, कीर्तपुर, चंडीगढ़ होते हुए सुबह 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यह बस उस दिन रात 9:20 पर हमीरपुर के लिए उसी रूट से होते हुए यात्रियों को सुबह 5:50 पर हमीरपुर बस अड्डा उतारेगी। निगम जल्द ही वाया भगेड़ रूट पर 5 बस रूट और चलाएगा। हाँ, आज से हमीरपुर डिपो जो है दो रूट अपने फिलहाल वाया भगेड़ फोर लेन से करने जा रहा है। उसमें पहला रूट जो है वो 6:30 बजे जो हमारी डिलक्स दिल्ली के लिए जाती है उसका रहेगा। तो ये अपने निर्धारित टाइम 6:30 बजे यहाँ से जाएगी और दिल्ली जो है सुबह 3:30-4 बजे के बीच पहुँच जाएगी। और इसी प्रकार जो इसका निर्धारित टाइम दिल्ली से था 7:45 पे चलने का, उसी पे चलेगी और हमीरपुर जरूर ये सुबह 4:30-5:30 बजे पहुँच जाएगी। तो इसमें आने जाने का भी लगभग जो है डेढ़ घंटा जो है अपने सवारियों का बचेगा और इसी तरह से किराए में भी इसमें बचत होगी। जो पहले किराया था उससे लगभग 39 रुपये कम जो हम डीलक्स बस वाले यात्री को दे देते हैं। इसी प्रकार जो वॉल्वो बस है हमारी वो शाम को 8 बजे हमीरपुर से चलती थी, वो अपने निर्धारित समय से चलेगी और दिल्ली जो है इसका पहले पहुंचने का टाइम था 6 बजे, अब ये 4:30 बजे दिल्ली पहुंच जाया करेगी। इसी प्रकार से दिल्ली से अपने निर्धारित टाइम से आएगी 9:20 से और हमीरपुर सुबह लगभग 6 बजे पहुंचेगी, जो कि ये पहले लगभग 7:30 बजे हमीरपुर पहुंचती थी। तो वॉल्वो में लगभग जो है 83 रुपये जो है यात्रियों को किराया कम देना पड़ेगा और जो उनका यात्रा है वो भी सुविधाजनक होगी, क्योंकि फोर लेन से गाड़ी आएगी, वहाँ से आराम से गाड़ी चलेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।